अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्किल की जानिब से मैं हूं सजाद अली और आज एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज से हम फोटोशॉप CS3 की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फोटोशॉप CS3 की इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके इंटरफेस को पढ़ेंगे और फोटोशॉप CS3 के आइकन्स और इसके शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे। दोस्तों, फोटोशॉप CS3 जो है ये फोटोशॉप 7 के बाद आया है, ये CS का वर्जन है और ये फोटोशॉप 8.0 का रिप्लेसमेंट है। ये CS वर्जन जो है ये सबसे पहले 2003 में आया था और अब इसका सिलसिला स्टार्ट है। पहला जो वर्जन था वो फोटोशॉप CS1 था, उसके बाद CS2, CS3, इस तरह ये सिलसिला स्टार्ट है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को फोटोशॉप CS3 को इंस्टॉल करना होगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप लोग उसको कैसे इंस्टॉल करोगे और उसको लाइसेंस के बगैर रजिस्टर कैसे करोगे वो मैंने एक पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोग कैसे फोटोशॉप को इंस्टॉल करोगे और उसको लाइसेंस के बगैर कैसे रजिस्टर करोगे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं। दोस्तों, ये है फोटोशॉप CS3 का इंटरफेस। आज हम इस इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और इसके जो आइकन है ये साइड पे जितने भी आइकन है इसके बारे में, इसके नाम और इसके जो शॉर्टकट्स है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे टॉप पे जो है PS Adobe Photoshop CS3 Extended, ये इसका नाम है। और इसके बाद जो दूसरा लाइन है यहाँ पे, इसको मेन्यू बार कहते हैं क्योंकि इसमें मेन्यू है। ये फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, एनालिसिस, व्यू, विंडो, हेल्प, ये मेन्यू है और इस सारे बार को जो है मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा बार है इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे जो भी आइकन इसको सेलेक्ट करोगे तो उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे इस प्रॉपर्टी बार में आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो दूसरे आइकन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसी तरह दोस्तों, ये है वर्कस्पेस। असल में दोस्तों, किसी एलिमेंट या किसी फाइल को सेलेक्ट करके उसकी रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आ जाती है और इसको कहते हैं प्रॉक्सी प्रीव्यू एरिया। इसके बाद फिर ये यहाँ से आप लोग कलर को एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ पे इसके बाद फिर है लेयर्स, चैनल और पाथ। यहाँ पे आप लोग लेयर्स को सेट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, उसको इंसर्ट कर सकते हो। और ये दूसरे साइड पे जो है इसको कहते हैं आइकन बार, क्योंकि यहाँ पे आइकन लगे हुए हैं तो इसको आइकन बार कहते हैं। तो सबसे टॉप पर जो है इसको कहते हैं मूव टूल और मूव टूल का शॉर्टकट है वी। यहाँ पे वी के साथ किसी कंट्रोल या शिफ्ट या किसी अल्ट वगैरह को प्रेस नहीं करना चाहिए, सिर्फ वी को आप प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और इसका काम क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज हम इसके नाम और इसके शॉर्टकट्स को पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे है सिलेक्शन टूल और इसका शॉर्टकट है M। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर और भी सिलेक्शन टूल्स हैं। ये सबसे ऊपर रेक्टेंगुलर मार्की टूल है, दूसरा एलिप्टिकल मार्की टूल है, तीसरा सिंगल रो मार्की टूल और चौथा जो है सिंगल कॉलम मार्की टूल। जिस तरह सिलेक्शन आपने करनी है उसी तरह आप लोग यहां से सिलेक्शन टूल जो है सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे है लेसो टूल। लेसो टूल का शॉर्टकट है L और इस पर अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर B, तो इसके अंदर बी और सिलेक्शन टूल है जैसा कि लेसो टूल, पॉलीगॉन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल और इसका शॉर्टकट है L। चौथे नंबर पे है क्विक सिलेक्शन टूल। इस टूल को सेलेक्ट करके आप लोग क्विक सिलेक्शन कर सकते हो और अगर आप लोग इस पे राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी दो मजीद टूल्स हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल और इसका शॉर्टकट है W। इसके बाद फिर है क्रॉप टूल और इसका शॉर्टकट है C। सिक्स नंबर पर है स्लाइस टूल। इस पे अगर आप लोग राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी मजीद टूल्स हैं, एक स्लाइस टूल और एक स्लाइस सेलेक्ट टूल और इसका शॉर्टकट है K। फिर इसके बाद है स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल और इसका शॉर्टकट है J। इसके अंदर भी मजीद टूल्स हैं, आप लोग जिस टूल्स को सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट जो है स्पार्ट हीलिंग ब्रश टूल है,
दूसरा हीलिंग ब्रश टूल, तीसरा है पेज टूल और चौथा जो है रेड आई टूल और इसका शॉर्टकट है जे। इसके बाद फिर है ब्रश टूल, ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी और इसके अंदर भी मज़ीद टूल्स हैं। यहाँ पे ब्रश टूल, पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट टूल, इसके बाद फिर है क्लोन स्टैम्प टूल और इसका शॉर्टकट है एस। इस पे आप लोग राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर भी मज़ीद दो टूल्स हैं, एक है क्लोन स्टैम्प टूल और दूसरा पैटर्न स्टैम्प टूल और इसका शॉर्टकट है एस। फिर इसके बाद है हिस्ट्री ब्रश टूल, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी मज़ीद दो टूल्स हैं, हिस्ट्री ब्रश टूल, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल और इसका शॉर्टकट है वाई। फिर अगला है इरेजर टूल, इरेजर टूल का शॉर्टकट है ई और यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करोगे तो मज़ीद तीन टूल्स हैं, एक है इरेजर टूल, दूसरा है बैकग्राउंड इरेजर टूल और तीसरा है मैजिक इरेजर टूल। इरेजर टूल के बाद है ग्रेडियंट टूल और इसका शॉर्टकट है जी और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे मज़ीद और भी टूल्स हैं, ग्रेडियंट टूल और पेन बकेट टूल। अगला पेर है ब्लर टूल और इसका शॉर्टकट है आर, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो टूल्स और भी हैं, सबसे पहला है ब्लर टूल, दूसरा है शार्पन टूल और तीसरा है स्मक टूल और इसका शॉर्टकट है आर। फिर इसके बाद है डार्ज टूल और डार्ज टूल का शॉर्टकट है ओ, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे मज़ीद और भी टूल्स हैं, फर्स्ट है डार्ज टूल, बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल। फिर इसके बाद है पेन टूल, पेन टूल पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी टूल्स हैं और इसका शॉर्टकट है पी, फर्स्ट है पेन टूल, दूसरा है फ्री फॉर्म पेन टूल, तीसरा है ऐड एंचर पॉइंट टूल, तीसरा है डिलीट एंचर पॉइंट टूल और चौथा है कन्वर्ट पॉइंट टूल। इसके बाद फिर है टेक्स्ट टूल और इसका शॉर्टकट है टी, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी टूल्स हैं, हॉरिजॉन्टल टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। इसके बाद फिर है पाथ सिलेक्शन टूल और इसका शॉर्टकट है ए, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी है, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसके बाद फिर है रेक्टेंगुलर टूल और इसका शॉर्टकट है यू, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो और भी कुछ टूल्स हैं, रेक्टेंगुलर टूल, राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। फिर उसके बाद है नोट टूल और नोट टूल का शॉर्टकट है एन, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो और भी है, नोट टूल, ऑडियो एनोटेशन टूल। फिर अगला जो है आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल का शॉर्टकट है आई और यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी टूल्स हैं, आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रोलर टूल और काउंट टूल। फिर इसके बाद अगला जो है हैंड टूल और इसका शॉर्टकट है एच और इसके अंदर फिर मज़ीद और टूल्स नहीं हैं यहाँ पे। फिर अगला है जूमिंग टूल और जूमिंग टूल का शॉर्टकट है जेड और फिर सबसे लास्ट में जो है यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंजिंग या कलर सिलेक्शन के लिए जो आइकन है इसका शॉर्टकट है डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नए अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।